तो यूपी के चुनाव में बीजेपी जब संकल्प पत्र लेकर आई, जब चुनाव के वादे किए, तब योगी नहीं मोदी चुनाव लड़ रहे थे। जनता ने मोदी को सुना, उन पर भरोसा किया। चुनाव के बाद मोदी ने योगी को यूपी चलाने का जिम्मा दिया, इस भरोसे के साथ कि चुनाव में जो उन्होंने कहा था उस पर काम करेंगे योगी। और ऐसा ही इस कैबिनेट के फैसले के बाद प्रतीत हो रहा है। किसानों की कर्ज माफी का फैसला यही दिखाता है कि जो कमिटमेंट मोदी सरकार ने की उसे योगी पूरा कर रहे हैं। जो ईमानदारी के साथ चलना चाहते हैं, आइए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। यूपी में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनवाने के लिए चुनाव में उतरी थी, लेकिन उसके लिए वोट मांगने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये लड़ाई विकास और विनाश के बीच की लड़ाई है। उनका रास्ता आपने 5 साल देख लिए, विनाश का रास्ता है। हमारी सरकार हिंदुस्तान भर में देख लीजिए, हमारा विकास का रास्ता है। किसान को सिंचाई, युवा को कमाई, बच्चों को पढ़ाई, बुजुर्गों को दवाई, ये पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। बीजेपी चाहती तो योगी या किसी को यूपी की जनता के सामने रख सकती थी, लेकिन बीजेपी ने जोखिम की बजाय वो रास्ता, वो चेहरा चुना जो जांचा परखा आजमाया हुआ था। करीब 3 साल में मोदी को देश ने जांच लिया, परख लिया, आजमा लिया। देश जानता है कि मोदी जो सोचते हैं वो करते हैं, जो कर सकते हैं वही बोलते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा। मोदी नाम की इस विश्वसनीयता की यूपी की जनता इस कदर दीवानी हुई कि झोली भर जीतने की उम्मीद लगाने वाली बीजेपी को बोरी भर कर सीटें दे दी। यूपी में मोदी ने नई सरकार की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। कमान के साथ बीजेपी के संकल्प पत्र की एक किताब भी योगी को मिली है, जिसमें लिखे हुए हैं जनता से किए वादे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी जब संविधान की शपथ लेकर सीएम बने तो मोदी से ये वादा भी किया कि जनता से आपने जो वादे किए हैं उन्हें मैं पूरा करूंगा, जो आपने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। एक सप्ताह के अंदर हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने के प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे। बीजेपी को जितना भरोसा जीतने का था, उतना ही भरोसा ये भी था कि जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा करना असंभव नहीं, जो संभव है उसी को सच करने का लक्ष्य रखा था बीजेपी ने। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन रात को एक अध्यादेश के माध्यम से सारे कत्लखाने उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र लेकर योगी गोरखपुर से लखनऊ आ गए, दिन रात एक्शन में हैं योगी। यूपी के लिए जो वादा किया वो मोदी ने किया, जिन वादों पर काम करना है वो योगी को करना है। जो योगी करेंगे वो 2019 के चुनाव में मोदी के चुनाव प्रचार के लिए आधार होगा। योगी ने गांठ बांध कर इस जिम्मेदारी को उठा लिया है। जनता ने तो 5 साल के लिए सरकार चुनी है, लेकिन योगी ने काम ऐसे शुरू किया है जैसे 2019 में उनके काम पर ही जनमत संग्रह होना हो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। हम लोगों को आने वाले 2 वर्षों में न गर्मी देखनी है, न बरसात देखनी है, और न किसी भी प्रकार के प्राकृतिक, चाहे वह
सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह करके कार्य करना है। आज रामनवमी पर योगी सरकार की पहली औपचारिक कैबिनेट बैठक हुई, लेकिन योगी की सरकार तो दो हफ्ते से एक्शन में है। बीजेपी के संकल्प पत्र के जितने बड़े वादे थे उनमें से ज्यादातर वादों पर योगी ने आते ही काम शुरू कर दिया था। किसान से लेकर महिला सुरक्षा तक, बूचड़खानों से लेकर स्कूल में नकल तक, हर बड़े फैसले से योगी यही साबित करना चाह रहे हैं कि जो कहा था वो किया। जो छोटे छोटे किसान है, भाजपा की सरकार बनते ही इन छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मैं भी उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहता हूं, जो उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी भाजपा की, सबसे पहला काम ये किसानों का मैं करवा के रहूंगा, वो मैं आपको वादा करता हूं। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था। मोदी ने सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में ही लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफ करने का भरोसा दिया था। वादा मुश्किल था, दो हफ्ते का समय लेकर ही सही, लेकिन योगी ने साबित कर दिया कि जो कहा था वो किया। जब कर्ज माफी का वादा किया गया था तब न तो रकम की सीमा तय थी न ही किसानों की संख्या। कर्ज माफी पर कैबिनेट का फैसला आया तो करीब 2 करोड़ 15 लाख किसानों के हिस्से में आया, वो भी 1 लाख के कर्ज की सीमा के साथ। 2 करोड़ 30 लाख जो किसान है उसमें 92.5% जो निकलता है 2.515 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान है, उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30,739 करोड़ रुपए की है, 30,729 करोड़, 30,000 करोड़। यूपी में करीब 2 करोड़ 15 लाख किसान हैं, 1,83,00,000 सीमांत, जबकि 30,00,000 लघु किसान, और इनकी कर्ज माफी का मतलब था सरकार के लिए 62,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना। लघु किसान वो होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है, जबकि सीमांत किसान उन्हें कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है। यूपी सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के लिए केंद्र से मदद मांगी थी, लेकिन कानूनी पेच के कारण योगी सरकार ने अपने संसाधनों से ही कर्ज माफी का फैसला लिया। यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जहां भी गए उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। अमित शाह ने कह दिया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो फिर महिलाओं और छात्राओं को छेड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, इनके लिए एक खास दस्ता तैयार किया जाएगा। एक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बच्चियों को अपने अभिभावक माँ बाप पढ़ाने के लिए दिल्ली की कॉलेज में दाखिला कराते हैं। क्यों दिल्ली की कॉलेज में कराते हैं? मेरठ में कॉलेज नहीं है क्या? मुजफ्फरनगर में नहीं है? सहारनपुर में नहीं है? वहां इसलिए नहीं होता दाखिला क्योंकि सपा के गुंडे अपनी बच्चियों को परेशान करते हैं। हमने तय किया है कि जिस जिस थाने में कॉलेज है वहां एंटी रोमियो दल बनाकर ये सारे सपा के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का। याद होंगी आपको ये तस्वीरें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही जगह जगह मनचलों के खिलाफ यूपी पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया। ये योगी का एंटी रोमियो दल था जिसने लड़कियों को छेड़ने वालों को सबक सिखाना शुरू किया। कैबिनेट के एक्शन से पहले ही यूपी के 75 जिलों में 996 एंटी रोमियो स्क्वाड टीमें एक्शन में आ गई। लड़के लड़कियों पर पुलिस जातियों की शिकायतें भी आने लगी तो योगी ने साफ कर दिया
के निशाना वो लड़के लड़कियां नहीं हैं जो आपसी रजामंदी से साथ हैं। कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को एक अध्यादेश के माध्यम से सारे कत्लखाने उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अवैध बूचड़खानों का मुद्दा जोर शोर से बीजेपी ने उठाया था। योगी के आते ही यूपी के बूचड़खानों पर या तो ताले लगने लगे या बुलडोजर चलने लगे। मटन शॉप से लेकर बूचड़खानों तक पर गाज गिरी। बूचड़खानों पर ये एक्शन तब हुआ जबकि कैबिनेट से कोई फैसला नहीं हुआ था। ये एक्शन इस बात का संकेत था कि योगी आए हैं तो जो कहा है वो करके रहेंगे। कार्रवाई को एंटी मुस्लिम नजरिए से देखा जाने लगा तो योगी ने साफ कर दिया कि एक्शन इसलिए क्योंकि बात जनता की सेहत की है। एनजीटी बार बार एक बात के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहा है, पिछले दो वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ, मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए, उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। ये सुनकर हैरानी भी हुई थी कि देश का प्रधानमंत्री नकल पर भाषण दे रहा था, लेकिन संदेश साफ था कि अब यूपी में नकल इंडस्ट्री बन चुकी थी। जब योगी सीएम बने तब यूपी में परीक्षाएं शुरू हो गई थी और नकल के नमूने भी दिखने लगे थे। योगी को पीएम मोदी की बात याद रही होगी और इसीलिए उन्होंने नकल पर नकेल कसना शुरू कर दिया और जल्द ही हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिए गए। टेंडर निकलता है टेंडर कि हमारे यहां अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा, अगर गणित का पेपर है तो इतना, विज्ञान का पेपर है तो इतना। आप मुझे बताइए इससे किसी का भी भला होता है क्या? ये बेईमानी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये परीक्षा केंद्रों की नीलामी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नकल की समस्या स्कूल की गड़बड़ी से जुड़ी है जहां पढ़ाई नहीं हो रही। कल ही योगी सरकार ने शिक्षा अधिकारियों के साथ देर रात तक बैठक करके 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया है। सरकारी स्कूलों की हालत तो सुधारेंगे ही, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। अफसरों का काम मिला है कि प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस को काबू करने के लिए बनाए नीति। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।